खबर मध्य प्रदेश के मंडला से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के हितग्राहियों के खातों में फरवरी माह की किश्त जारी की। डॉक्टर मोहन यादव ने 1,29,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,576 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इसके साथ ही उन्होंने 56,00,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में 340 करोड़ रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन आर्थिक सहायता राशि ट्रांसफर की। वहीं इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे ज्यादा आनंद यहां आकर आया है। निश्चित तौर पर इससे पहले इतना आनंद नहीं आया है। कोंडवाना क्षेत्र की महारानी दुर्गावती ने मुगलों से लड़ाई की, तो वहीं और मंडला की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे। अवंतीबाई और रानी दुर्गावती इस क्षेत्र में रहे हैं। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि किसका नाम लो और किसका छोड़ो। हमने कैबिनेट की पहली बैठक भी जबलपुर में ही की थी और उसके पीछे की वजह हम रानी दुर्गावती और अवंतीबाई के बलिदान को याद करना चाहते थे। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, लेकिन भारत के सिवा कोई भी देश माता के रूप में नहीं पूजा जाता। ये मातृसत्ता को स्वीकारोक्ति है। हमारे यहां तो वैसे बहन बेटियों का सम्मान कैसे है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। हमारे यहां माता बहनों का, देवी स्वरूप दुर्गा का जो मान होता, सम्मान होता, इसलिए हमारे यहां नाम भी रखा जाता है, लिया जाता है भगवान का नाम भी। तो लक्ष्मी नारायण, सीताराम, पहले हमारी माता बहनों का नाम लिया जाता है, बाद में भगवान का नाम आता है। और ये हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है कि तमाम कष्टों के बाद हमको जन्म देने वाली माता हमको अपने जीवन में वो लालन पालन करके इस संसार रूपी एक नए सागर में जाने के लिए न केवल वो तैयार करती है, बल्कि अपने आचरण की छाया में इतने आशीर्वाद देती है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी संघर्ष की कठिनाइयों में भी हम सहायता से पार कर सके। जीवन भर माताओं का आशीर्वाद हमको मिलता है।